इंसर्ट सेल के अंदर अब कुछ और ऑप्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे इंसर्ट सेल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मसला वही है कि ये जो सेल तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो इसके अंदर डाटा है उसको किधर करना है। अभी तक हमने देखा है कि शिफ्ट सेल डाउन, इसी तरह शिफ्ट सेल राइट। राइट ये है, ये राइट साइड पे इसको शिफ्ट कर देगा। आप जरा देखिएगा, ओके करता हूं, राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया उसको, और यहाँ पे एक सेल हमारे पास और आ गया। इसी तरह इसको हम अगर सेल करते हैं, अब पूरी रो पूरा कॉलम आ जाएगा। ठीक है, पूरी रो आ जाएगी। ये देखिए पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह पे उसमें शिफ्ट नहीं होगा, उसमें वही डाटा वहां पड़ा रहेगा, बल्कि एक नया कॉलम जो है आ जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अभी इसी तरह हमने इंसर्ट सेल करना सीख लिया, रो इंसर्ट करनी, कॉलम इंसर्ट करना, और हमने इंसर्ट शीट भी सीख लिया यहां से। अब हम डिलीट की बात करते हैं। डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, ये सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें वो डिलीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम उसको कहते हैं कि ये सेल जो है इसको डिलीट करना है। तो सेल, अब वो कह रहा है कि अब इसको डिलीट तो मैं कर दूं, लेकिन जो इसका करना क्या है, जो डाटा इसके अंदर होगा, अगर अभी तो नहीं है लेकिन अगर हो तो हम उसको कहते हैं शिफ्ट सेल लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड पे इसको शिफ्ट कर दो, तो ये इस तरह जो इस तरफ वाला डाटा होगा वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हमने रो डिलीट करनी, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों रोज हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम यहां से डिलीट रोज पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट ये भी है कि आप यहां पे राइट क्लिक करें और यहां पे ये डिलीट प्रेस कर दें, तो ये दोनों एक ही बात है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरह अगर कॉलम डिलीट करना, फॉर एग्जाम्पल कि हम ये सारे कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप इसी तरह डिलीट पे क्लिक करें और यहाँ पे कॉलम पे, और ये कॉलम सारे जो है वो डिलीट हो गए। हम इस कॉलम को भी डिलीट कर देते हैं यहां से।